150 मीटर चौड़ी नदी सिर्फ 4 दिन में सूख गई। सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है। ये एक हैरान करने वाला सच है। कनाडा की ये 150 मीटर चौड़ी नदी देखते देखते सूख गई। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 26 से 29 मई के बीच कनाडा की स्लिम्स नदी सूख गई थी। स्लिम्स नदी कनाडा के सबसे बड़े ग्लेशियर कास्क वुल्श से निकलती थी। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में नदी सूखने की वजह बताई। दरअसल ज्यादा गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगी। बर्फ की तेजी से पिघलने की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। पानी की तेज बहाव हजारों साल पुरानी स्लिम्स नदी के रास्तों से दूर अपना अलग रास्ता बना लिया। इस बहाव से बनी नदी अब स्लिम्स नदी की उल्टी दिशा में अलास्का की खाड़ी की तरफ बह रही है। गार्जियन से बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के जियोलॉजिस्ट जेम्स बेस्ट ने कहा कि हमने स्लिम्स नदी के बहाव क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि वहाँ पर नदी कमोबेश सूख चुकी है। जेम्स इस बदलाव को नदी की निजता का मामला बता रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे का कारण है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।